लिख नहीं रहा है तरीके से, तरीके से बोल रहे हैं। इनको कोई भी कैमरे वाले को कोई भी खाना नहीं देना, किसी को भी पानी तक नहीं देना, ठीक है। हाँ, अभी आप मना कर देना, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। दो मिनट हो जाएगा, अगर कोई भी देगा सीधा प्लेट काउंट कर देना 1800। गाइस आज मैं सच बताता हूँ, देखो कोई भी ये बात बोलने की हिम्मत नहीं करता, पर मैं आज एक वीडियो में बताता हूँ कि क्या होता है। हर एक आज तक मैंने एक मैरिज में एक इंसान इतना पैसा लगाता है, अपने बच्चों का रिश्ता करता है, शादी करता है सिर्फ खुशियों के लिए, और सारी जो यादें हैं वो एक फोटोग्राफर सजो के रखता है जीवन भर की, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। फोन का कैमरा अलग होता है, रील एक अलग शूट होती है, वीडियो अलग शूट होती है, अगर आपकी सिनेमैटिक शॉट है। बहुत सारे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आप अगर अपना वेडिंग फोटोग्राफर बुक करेंगे, किसी को भी करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखें। एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू इंडियन लग्जूरियस वेडिंग एंड देयर वेडिंग फोटोग्राफर्स। इसमें आपको पता लगा कि अगर आप इंडियन वेडिंग कर रहे हो, लग्जूरियस वेडिंग कर रहे हो, तो उसमें फोटोग्राफर्स को भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या देख के आपको अपना फोटोग्राफर बुक करना चाहिए, हम एज अ फोटोग्राफर ऑर्गेनाइजेशन हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ है। मैं वीडियो के इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट आई एम प्रीटी मच श्योर इफ़ यू वॉच द फुल एपिसोड आपको काफ़ी कुछ फोटोग्राफी के बारे में, इंडियन वेडिंग्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एक इसका पार्ट बना चुका हूँ इंडियन वेडिंग फोटोग्राफर्स का, तो अगर वो नहीं देखा तो गो चेक इट आउट। उसके अंदर मैंने अंडर 1 लाख के जो बजट के होते हैं फोटोग्राफर, उसकी सारी प्रॉब्लम्स बता रखी है। इन दिस वीडियो में आपको बताऊँ कि जो बड़े इवेंट्स होते हैं, हाईली मतलब लग्जूरियस वेडिंग होती है, उसमें जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें क्लाइंट्स किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के इवेंट्स हम फ्लो करते हैं, व्हाट वी गिव इन दैट इवेंट्स, और भी बहुत कुछ। आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल एंजॉय द वीडियो, आपको बहुत कुछ पता लगेगा इस वीडियो पे, 100% इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड लेट्स बिगिन दिस। तो इसी का चलते हैं पास्ट में, जहाँ की है 2 दिसंबर और हमारा शुरू होता है पहला लग्जूरियस इवेंट ऑफ इंडियन वेडिंग, तो लेट्स गो। अभी बज रहे हैं 5 और ये देखो पीछे लोकेशन, अभी जस्ट तैयारी हो रही है। एंड जो इवेंट का टाइम है यहाँ पे, इवेंट का टाइम है यहाँ पे लाइक 5:30-6 बजे का राउंड का, तो ये होता है हम फोटोग्राफर के साथ। प्लीज़ हमें सही टाइम दीजिए करिए। यहाँ पे भैया आए पड़े हैं, भैया कितने बजे आ गए थे आप? 3 बजे भैया आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5। क्यों भैया, 2 घंटे हो गए होंगे? 1.5 घंटा हो चुका है, तो भैया को 1.5 घंटा हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट आया बाद में, क्योंकि मैंने भैया को पहले भेज दिया था, मैं को आए हुए 1/2 घंटा हो चुका है। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं और हम यहाँ के आयोग के बैठे हुए हैं 3 बजे के। भैया आ गए थे 3 बजे, आ गए थे भैया। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है जब भी हमें कोई इवेंट बुलाता है, चलो कोटेशन वोटेशन वो सब एक अलग बात है, वो कभी अगर कोई वीडियो हुई तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्या क्या होता है। और जो एक लग्जूरियस वेडिंग की मीटिंग्स होती है वो बहुत अलग होती हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अलग उसकी एक थिंग्स होती हैं। और उससे पहले बताता हूँ, जब हम इवेंट में पहुँचते हैं फोटोग्राफर या हमारे कोई भी कलीग्स या कोई भी इवेंट में जाता है, बहुत बार ऐसा होता है लग्जूरियस वेडिंग में, ऐसा बहुत बार होता है कि दे गिव अस टाइम कि 1 बजे आ जाओ, इवेंट शुरू होता है 7 बजे एंड फोटोग्राफर जो बैठा होता है 7 बजे तक। देखो उसमें प्रॉब्लम्स कई सारी होती है, आप कभी किसी काम करने जाओ एंड एज अ ह्यूमन बींग सोचना कि यू आर गोइंग देयर, तब तक मतलब जब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक खाली बैठता है ना, मन नहीं करता काम करने का, बहुत कोशिश करती है, उसके बाद एक फ्लो बनाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, काफ़ी चीज़ों में ये फ़र्क पड़ता है। इस बात को कोई एग्री करे ना करे, बट जब भी आप फोटोग्राफर जल्दी बुलाते हो उसमें आपका ही अपना नुकसान होता है, वो फोटोग्राफर में वो फ्लो, वो एनर्जी होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। और इस बात को मैंने खुद पर्सनली भी काफ़ी बार देखा है, और एक बार दो बार नहीं कई बार ये चीज़ मैंने नोटिस कर रखी है। 1/2 घंटा 15 मिनट 1 घंटे की हमने कसम नहीं खा रही, हर कोई बोलता है कि भाई इतना तो चलता ही है हमारे इवेंट्स में, चलता है, पर ये नहीं हो सकता कि आप किसी फोटोग्राफर्स को 1 बजे बुला रहे हो और इवेंट शुरू हो रहा है आपका 7 बजे। तो सबसे पहली बात तो ये। अब सेकंड थिंग पे आते हैं। सेकंड थिंग इसी जो इवेंट में मैंने एक्सपीरियंस करी थी वो ये थी, यार तुम्हें ना मतलब काफ़ी क्लाइंट्स का डेटा सिस्टम डिलीवर हो चुका है, काफ़ी क्लाइंट्स मतलब दे आर ऑल हैप्पी, बट क्या होता है एक बहुत बड़ी हमें फीडबैक सुनने को मिलता है, मज़ा नहीं आया, लव मज़ा क्यों नहीं आया, यू वॉन्ट डैट काइंड ऑफ वीडियोज जो कि फिल्मों में होती है, एक स्क्रिप्टेड होती है आपके और तुम्हारे में। आप इवेंट्स में क्या होता है, इवेंट्स में होता है पंडित एक तो इतना आगे जाके बैठा होता है कि हम पंडित की वीडियो लें कि तुम्हारी वीडियो लें, उसके बाद हम बोलते हैं पंडित थोड़े पीछे हो जाओ, पंडित थोड़े पीछे हो जाओ, अरे यार वहाँ से बना ले, यहाँ से बना ले, नहीं हो पाता। थर्ड चीज़ इसी इवेंट में मुझे एक सबसे बड़ी आई थी कि हमें ना बहुत बार हमारी फोटोग्राफर्स की भी गलती, मैं अच्छे से ये आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हाउ बिग योर इवेंट इज़। कभी कभी
हमें नहीं होता कि इतने बड़े फोटोग्राफर जाएंगे या इतना कुछ होगा, इतने अच्छे से कवरेज होगी या कुछ भी ऐसा, तो एक फोटोग्राफर की थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक साथ चल रही होती है, कभी कभी एक दिन में तीन तीन मीटिंग्स निपटानी पड़ती है। बट इसके अलावा जब भी हम जैसे इवेंट पे जाते हैं तो क्या होता है, अब क्लाइंट ने, एक ने मुझे बोल दिया कि लव हमारी वीडियो ना हाफ आई है, पूरी नहीं आई हमारी वीडियो, मतलब हाफ का मतलब यहाँ यहाँ तक आई है। तो आई वॉज लाइक कि कैमरे का सेंसर तो ऐसे होता है, वो पूरी कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा मैम ऐसे नहीं होती, पूरी नहीं होती, हाफ ही आती है। तो क्या देखो हमारे फ़ोन में देखो वो सीधी वीडियो बन रखी है। फ़ोन का कैमरा अलग होता है, रील एक अलग शूट होती है, वीडियो अलग शूट होती है। अगर आपकी सिनेमैटिक शॉट है, बहुत सारे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आप अगर अपना वेडिंग फोटोग्राफर बुक करेंगे, किसी को भी करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखें, सिनेमैटिक अलग होता है, ट्रेडिशनल अलग होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। शूट्स में बहुत सारे लोग मुझे बोल देते हैं अरे हमें क्या पता था, मतलब इवेंट के दिन बोल जाते हैं हमें क्या पता यार कैंडिड ट्रेडिशनल क्या होता है। आपको अच्छे से पता है सर कैंडिड ट्रेडिशनल क्या होता है। अगर आपने चार कैमरे बुक कर रखे हैं और एक कैमरा आएगा तो ऑफकोर्स आप उससे मेरे से लड़ जाओगे। आपने एक कैमरा बुक कर रखा है, इस दो कैमरे नहीं है इसलिए आप मुझे बोल रहे हो। ये सब होती है बातें कि हम फोटोग्राफर्स को ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो खैर हमें क्लाइंट को समझाना होता है, सब चीज़ करनी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट थिंग इसमें, फोर्थ थिंग, दे डोंट गिव अ स्पेस व्हेन दे आर डांसिंग। मैं आपको एक शॉट दिखाऊंगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वो डांस कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच स्पेस। इसमें हमारी गलती भी है कि हम उनको बोल दे रहे पीछे हो जाओ, पर लोग सुनते नहीं है, डांस कर रहे होते हैं। बहुत बार वीडियो के बीच में लोग आते हैं, बहुत बार वीडियो के बीच में यार, मतलब एडिटर ना एडिट करके थक जाता है। अभी मैंने रिसेंटली इवेंट खींचा, उस इवेंट में क्या हुआ था, वो कह रहे हैं सर फ्लो नहीं बन रहा कुछ भी। अरे फ्लो नहीं बन सकता क्योंकि आपके वेलकम के लिए कोई वहाँ खड़ा नहीं हुआ था। बार बार बच्चे जब आगे से भागते हैं वीडियो कैमरे के तो एडिटर को वहाँ कट लगाना पड़ता है, वहाँ पे कोई इफेक्ट देना पड़ता है, तो वो फ्लो नहीं बनेगा, एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं चलेगा। आपको सीक्वेंस लाना, आप चार लोग खड़े होइए, एंट्री पर रहिए। हम फोटोग्राफर की बात मानिए, जब भी कोई फोटोग्राफर आपके यहाँ आता है ना, कई तरह के फोटोग्राफर्स होते हैं, पर बहुत सारे फोटोग्राफर जो मैंने अपनी लाइफ में भी नोटिस करा है कि चाहते हैं कि अच्छा काम आगे प्रोवाइड करें। हम फोटोग्राफर्स को अपने नेबर जो कलीग्स फोटोग्राफर हैं उनको दिखाने में मज़ा आता है कि हमने बहुत अच्छा काम करा है, ये करा है। साथ साथ ये होगी शुरू में काफ़ी इंट्रो की बातें, अब इसके बाद शुरू करते हैं वीडियो को आगे। एंड अगर अभी तक बोर हो गए हो तो डोंट वरी, आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला है। कई सारी हमारी ऐसी फनी मोमेंट्स होंगी, कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको जान के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी जानने में। सो गाइस, फाइनली 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 आज का हमारा शूट खत्म होता है। आज का शूट बहुत 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 मुश्किल था, जस्ट बिकॉज अभी टाइम हो रहा है एक, हम यहाँ आए थे 3 बजे, कैब स्टार्ट हुआ शूट 7 बजे। उसके बाद इतनी भीड़, कुछ लोग होते हैं कि सुनते ही नहीं हमारी बात की, प्लीज़ साइड हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, बट इज़ टोटली फाइन। जो ऊपर के क्लाइंट्स थे, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो एक्चुअली ऐसे सोचते हैं कि फोटोग्राफर अपना काम करता रहेगा, हम कहीं भी खड़े हो जाए कुछ भी हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू, अगर आपने 10-10 कैमरे कर रखे हैं तो आपको नहीं नीड इस सब करने की, आप कहीं भी खड़े हो जाओ एक एंगल पे फोटोग्राफर कहीं ना कहीं हो गई होगा। बट अगर आपने एक एक कैमरा कर रखा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे वो बोल रहा है एडजस्ट करने को करो, ताकि वो आपकी फोटोज ही अच्छी हो पाए। आज की उससे ये सीख मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत डिले हो गया है सबकी वजह से, मतलब सबको ये बात पता है, सब हमारे साथ एडजस्ट भी करते हैं इस बात के लिए। गाइस साथ के साथ ना, मैं आज एक बहुत बड़ा पॉइंट हाईलाइट करने जा रहा हूँ फोटोग्राफरी का। लोग बोलते हैं कि अबाउट द फूड इन फोटोग्राफरी थिंग, खाना क्या है ये वो। अभी एक रील काफी ज्यादा वायरल होती है कि फोटोग्राफर्स को खाना नहीं दिया जा रहा था, तो तरीके से बोल रहे हैं, इनको कोई भी कैमरे वाले को कोई भी खाना नहीं देना, किसी को भी पानी तक नहीं देना, बड़े इवेंट्स में खासकर। मुझे मेरे इवेंट्स होते हैं कई बार 3 लाख के होते हैं, कई बार 2.5 लाख के होते हैं, तो वो मुझे फोन करते हैं लव जी आपकी टीम कितनी बड़ी आएगी। मैं कहता हूँ क्यों सर क्या हो गया, तो आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट प्लेट कॉस्टिंग यार। अगर आपकी प्लेट अगर कम से कम अगर 3,000-4,000 की है, एंड अगर हमारे 5 बंदे भी आ गए तो आपके 15,000 रुपये गए, तो बेसिकली वो हमें बोलते हैं, मुझे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि वी डू कंपनशिएट अगर इफ़ योर फोटोग्राफर्स डोंट ईट देयर एंड समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या होता है, मैंने अब देखो ये हमारे फोटोग्राफर ये खाना खा रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कभी कभी क्या होता है कि आपका इवेंट ना 2 बज जाते हैं। मैंने खुद बहुत बार अपने टीम के लिए डोमिनोज करा है, जोमाटो करा है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑफ स्कर्ट्स में हैं, वहाँ नहीं हो पाता, तो इस टोटली अप टू देम। एंड काफ़ी लोगों को नहीं पता, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार टिफिन थोड़ा लेके जाएगा फोटोग्राफर। ऑफकोर्स जो बड़े बड़े शूट्स होते हैं, बड़े बड़े लैबों वाले होते हैं, वो अपनी टीम के साथ टिफिन भेजते हैं, वो ढाबों पे जाके बाद में रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये ऐसा होता है फोटोग्राफर्स, दे डोंट ईट एट द इवेंट, दे डोंट ईट एट द वेडिंग्स, कई बार ऐसा होता है।
तो ये एक मिथ है कि फोटोग्राफर्स खाना खाते हैं हर बार नहीं खाते, जब बड़े इवेंट्स होते हैं, जब छोटे इवेंट्स होते हैं वहाँ फोटोग्राफर्स खाना खाते हैं। एंड जो हमारी टीम होती है वैसे बहुत बड़ी होती है, कई बार एक फोटोग्राफर के दो दो तीन तीन लाइटमैन होते हैं जो उसको संभालते हैं काम को। तो मेरे खुद हिसाब से एक तरह से सही भी एक तरह से गलत भी है, दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं इंसान को चीज़ों को देखने के। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आई एम सुपर 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 बिजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस टाइम मैं आया हूँ यमुना विहार और पूरे लड़के अरेंज कर रखे हैं। पहले मेरा एक शूट चल रहा है दिल्ली में, आज बैटरी भी गोप्रो में बहुत कम है, मैं चार्ज करनी भूल गया। एक शूट है मेरा गुड़गांव में, एक शूट है मेरा दिल्ली में, और एक शूट है मेरा सेक्टर 11 में। और आई एम जस्ट लाइक फुली पैक, कॉल पे कॉल, बैक टू बैक कॉल चल रही है, मैं कुछ नहीं करवा रहा। आई एम सॉरी, ये वाला व्लॉग में थोड़ा सा जल्दी दिखाऊँ आज का डे। ये समझ लो कि सिर्फ दो घंटे की नींद करी है, 3 बजे आया था, 3:30 बजे, उसके बाद घर आके मैंने डेटा कॉपी करा, डेटा कॉपी करके सो गया, 7 बजे उठा, 7:30 बजे, उसके बाद यहाँ निकल गया। अभी टाइम हो रहा 11 बजे, मैं 11 बजे यहाँ पहुँच चुका हूँ। एक जगह लड़के चैट करें, एक जगह दूसरा शूट है, इस शूट को निपटाने के बाद मुझे उस शूट में जाना है। एक गुड शूट DLF 5 में मुझे, हो सकता है वहाँ भी जाना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हमें टाइम नहीं मिलता, इवन हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, मुझे तो पता नहीं था प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। मैं जस्ट शूट आया उसको लिखता हूँ डायरी में, आगे लोगों को बताता हूँ, अपने कलीग्स को बता देता हूँ एंड वो करके आते हैं। मुझे सिर्फ बाद में पता लगता है, मैं पूछता हूँ कैसा गया शूट, क्या रहा, कैसे रहा प्रोग्राम। तो ये वाली एक प्रॉब्लम आती है, कई बार दिन में 5-5 शूट भी होते हैं मेरे, एंड आई वॉज लाइक कि शूट सही से निपट जाए बस, क्योंकि बहुत हर मैक्सिमम लोगों की डिमांड ये होती है कि यू शुड बी देयर एट आर इवेंट, पर हर जगह हम पॉसिबल नहीं होता जाना। कई बार एक शूट गुड़गांव में होता है, एक शूट यमुना विहार होता है, एक शूट नोएडा में होता है, तो ये चीज़ें आती हैं। बट आफ्टर ऑल वी डू मैनेज थिंग्स, एक फोटोग्राफरी की ये भी एक बात है कि वी हैव टू मैनेज आवर वर्क, कि ऐसे ऐसे चलता रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लड़कों की, ये बात मैं अक्सर हालांकि आपको आगे जाके बताऊँगा कि हमें अपनी फोटोग्राफी लाइन में क्या लड़कों की प्रॉब्लम आती है। एंड एक लाइन है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कि जब तक मैं एक्सपोजिंग करता था ना, तब तक क्या आता कि जब मैं एक्सपोजिंग का मतलब आपको शायद नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। एक्सपोजिंग होती है कि आप किसी फोटोग्राफर का काम कर रहे हो, जब तक मैं एक्सपोजिंग करता था, जिस दिन इवेंट शुरू हुआ, लाइक 4 बजे इवेंट शुरू हुआ, रात के सुबह के 6 बजे खत्म हो गया, तो उस दिन उस टाइम तक मेरी जिम्मेवारी होती थी। पर जब आप फोटोग्राफर बनते हो, जब आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, जब सुबह इवेंट खत्म होता है ना, वहाँ से आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है एक्चुअली। उनको मैनेज करना, क्लाइंट से बात करना, कंटिन्यू कॉन्टैक्ट्स में रहना क्लाइंट के, उनके सजेशंस लेना, उनसे उनके डिज़ाइन देखना। हर क्लाइंट को अलग अलग चीज़ें पसंद आती है, किसी क्लाइंट के लिए अगर बताओ तो एल्बम यार क्या जा रहा है, कौन देखता है एल्बम 10 दिन तक, 10 दिन के बाद कोई नहीं पूछता। और किसी क्लाइंट के लिए ऐसा होता है कि यार एल्बम इज़ अ लाइक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, मुझे ये अच्छी चाहिए क्योंकि मेरी शादी एक बार हुई है, मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ चाहिए। हर किसी इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, तो उसमें सही रहता है कि यू शुड बी विद पीपल लाइक हाउ दे आर, कि वो कैसे चाहते हैं आपसे ट्रीट, चाहते कैसे हैं। स्माइल सर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक, टुडे वी आर बैक अगेन। सुबह वाली वेडिंग और जो सुबह वाली मेहंदी चल रही थी वो भी चल रही है, और आज की टीम दिखाता हूँ मैं आपको। सो मेरा आज प्रिंस भैया, ये अमित भैया हमारे, और ये हमारे अनिल जी, अनिल सर से हाय। हेलो। एंड ये हमारे हैं गुड़गांव के सर, और ये हमारे विजय भाई, उनको आप देखोगे, और वो हमारा प्रिंस रेडी हो रहा है। सो चल रही है कहानी धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे होता है। बाकी आज की टीम बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड है, अच्छा काम है आज का। रोजेला में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सीज़न में ही काम कर दूंगा, बट मैंने करा, दैट्स गुड। हमारी फोटोग्राफी लाइन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि होता है अबाउट द मनी। बहुत सारी जगह में, मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये वाली प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारे अभी तो फोटोग्राफी सर्कल में ट्रेंडिंग में है कि उसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए। ऑलमोस्ट 90% फोटोग्राफर्स को ये आती है, भगवान की दया से। खैर मुझे तो आज तक नहीं आई, ना ही कभी आए, बट लोग क्या होते हैं अपना पेमेंट फ्लो नहीं बनाते, अपना किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, किस तरह से आपको क्लाइंट्स को बताना होता है कि वी शुड गिव द पेमेंट एट दैट टाइम। मेरे साथ मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, पर क्या होता है ये ना आपसदारी में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि जब आपके जान पहचान वाले का काम है, आप मेरे लाइक किसी जान पहचान वाले का काम था, मेरे फ्रेंड का काम था, मैंने सिर्फ उसको 1.2 की कोटेशन दी, डन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। आफ्टर डैट EMIs में पैसे देना होता है, ऐसे पैसे दे मिलते हैं जैसे 10,000, 20,000 या, एंड आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। और इवन किसी को भी नहीं पसंद होगी अगर जिस जिसको, शायद एक होता है कि मैंने कई लोगों की जुबान सुनी यार खर्चा चल रहा है, खर्चा चल रहा है, खर्चा तो वैसे भी चल सकता है, बट अगर आप काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, यू रिस्पेक्ट योर वर्क, यू रिस्पेक्ट योर गैजेट्स, तो यू शुड बी वेरी पंचुअल एंड वेरी शार्प अबाउट द पेमेंट थिंग्स ऑल्सो। तो
ये चीज़ें एक बहुत बड़ी मैटर करती है मेरे साथ, तो खैर है ही है ऐसा, बट और भी अच्छे जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ तो करेगी करेगी, कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग मनी ऑन टाइम, बाकी सब कुछ एक अलग साइड पे है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब नवंबर में शूट खींचा, अब तक सिलेक्शन नहीं आ रखी, कौन उस बोझ को ढोएगा अब तक, इज जस्ट लाइक दैट। तो ये भी एक पॉइंट है हमारी फोटोग्राफी थिंग का। तो खैर अभी ज़्यादा बात ना करते हो ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। हेलो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज है 5 तारीख की इवनिंग और हमें वेडिंग पे, तो वेडिंग जो है पीछे मेरे साथ पीछे पोस्ट चल रहे हैं, सारी टीम लगी हुई, अभी टीम से मिलवाता हूँ मैं आपको, इसके बाद रेडी। तो इन भाई से आप मिले ही थे पहले, और ये हमारे भैया लाइव पे हैं, और ये भैया हमारे वीडियो पे हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा वेन्यू है, अभी अंदर से दिखाऊंगा। और भैया सब ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कल की वेडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? नहीं हुई, ठीक था, आप संभाल लेते हो। टुडे वी आर विद अस शरण जी, ये आज हमारे सिनेमैटिक संभालने वाले हैं आज और 7 तारीख की। कल ये थोड़े अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने कुछ और करा जुगाड़, क्यों सर कल आप बिजी थे? तो आज की टीम ये, और आज ये भाई कल वाला ही है, और ये एक न्यू हेलो बोल अमित भैया और अनिल भैया वहाँ पे हैं पहले की तरह। आज का शूट देखते कैसा रहता है। कुछ शूट्स ना इतने रॉयल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, और इतने ज़्यादा मतलब बड़े इवेंट्स होते हैं ना, लाइक पूछो मत, बट उसमें भी कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आनी होती है कहीं किसी ना किसी तरीके से। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं मतलब वहाँ पे 7 फोटोग्राफर चल रही है, 7 वीडियोग्राफर चल रही है, 2 सिनेमैटिक चल रही है, ऐसा भी शूट्स थे हमारे। उसमें क्या था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्लाइंट वॉज सुपर सुपर हैप्पी, तारीफ कर करके थकते नहीं हैं, तो और सब कुछ अच्छा चलता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में पंडित जी आते हैं, पंडित जी आके बढ़िया मुहूर्त कर देते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। बेटा तू नाराज मत होना, इन लोगों का नेचर ऐसा ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहो, कोई बात ठीक है ना। हेलो गाइस, आज का शूट होता है ख़त्म, और शूट हुआ है एक मिक्स, उसमें ख़त्म मिक्स का मैं अगर बताऊं तो आज शूट में थोड़ा सा मतलब शूट बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था, लड़के का थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहते थे, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। शूट के बारे में अगर मैं बताऊं, शूट वॉज लाइक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, लास्ट में क्या हुआ, पंडित ने पंगेबाजी वाला पंडित होता है हमारे काम में, सबसे बड़ा अगर हमारा कोई एंटी लगता है ना ज़्यादा तो वो पंडित होता है, पंडित बहुत पंगे लेते हैं फोटोग्राफर से। अब आज भी ये हुआ, हालांकि मैं तो बहुत पंडित जी के साथ मिलजुल के चलने वाला मैं से हूँ, कि मिलजुल के चलो काम करते हैं मिलजुल के, आज क्या हुआ कि हम शूट ले रहे थे, पंडित जी बार बार शूट के बीच में आ रहे हैं, हाथ ला रहे कैमरे के बीच में, और कह रहे अरे रुक जा, थम जा, कहाँ कर रहा है, तो गुस्से गुस्से चढ़ रहा था, तो हम भी शांत बैठे थे। उसके बाद हमने कहा पंडित जी शांत हो जाओ, साइड हो जाओ 2 मिनट के लिए, एकदम से मुंह बन गया जैसे पता नहीं हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी कुछ खड़े होकर अब तक स्पीच दे रहे थे, स्पीच के बीच में बोल दिया कुछ उन्होंने कि फोटोग्राफर अपना ढोंग करते हैं ये वो, तो मेरे से सुनी नहीं गई और मैंने पलट के बोल दिया, ऐसा होता है मेरे से सुनी नहीं जाती किसी की भी आज भी। तो जैसे उन्होंने मुझे कुछ बोला और मैंने कहा कि पंडित जी ये फोटो जो खींचने हैं सुप्रीम कोर्ट में भी लगती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होती है वेडिंग की, तो इतने में एक बंदा भड़क गया, वो भड़क के कहता कि यार सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बीच में आ गए, इतने थोड़ी बहुत बात बूत हुई और मतलब बंद। इतने में क्या हुआ, लड़की की मम्मी पापा लड़की सब लोग आके मुझे बोल रहे लव सॉरी यार ख़त्म करो मैटर, ये वो, मेरे को कोई भी इशू नहीं है, लोग तो ये बोल सकते फोटोग्राफर है क्या होगा ख़त्म बात, बट ना ये वाले केस पंडित जी के साथ बहुत होते हैं गाइस। आज मैं सच बताता हूँ, देखो कोई भी ये बात बोलने की हिम्मत नहीं करता, पर मैं आज एक वीडियो में बताता हूँ कि क्या होता है। हर एक आज तक मैंने कितनी भी वेडिंग खींची हूँ, हर एक वेडिंग अलग होती है हर किसी के लिए, हमारे में यूं ही हुआ करे कई मत, अब तुम्हारे में तारों की छांव में शादी होती है, ठीक है, विदाई होती है, कौन करता तारों की 8-8 बजे जहाँ विदाई होती है, अलीगढ़ वलीगढ़ में आगरा में वो कहाँ, बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं काफ़ी कुछ बोलना ही चाहता बिकॉज लोग कहते हैं कि सामने वाला गलत है, पर जो सच है वो सच है, हम फोटोग्राफर जानते हैं कि पंडित कैसे, बहुत सारे पंडित कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, अगर 100 हैं तो उनमें से 2 पंडित अच्छे होते हैं, इतने सारे पंडित तो बुक लेके वो पढ़ते हैं मंत्र पढ़ते हैं। आज ना मेरे को गुस्सा खैर आने ख़त्म हो गया, गुस्सा नहीं आता इन बातों पर, कभी कभी ना क्या होता है कि आप ना किसी इवेंट में अपनी जान फूंक देते हो, जान फूंकने का मतलब 4-4 घंटे पहले इवेंट में जा रहे हो, भाग भाग के लोगों को पकड़ रहे हो कि अच्छा काम हो, उसके बावजूद जब लास्ट में ये चीज़ हो जाए
हालांकि सबने आके मुझे बोला कि लव सॉरी सॉरी सॉरी, उनका कोई मतलब नहीं है, पर यार तुम किसी का इवेंट ख़राब कर रहे हो। अब हम लास्ट में वेडिंग में जब फेरों पे 99% जगह पे ये होता है कि जब हम स्टेज पे हम शूट कर रहे हैं, शेट पे लास्ट का शूट, लड़की को खाने पे लेके जाओ, खाने पे लेके जाओ, हम हाथ जोड़ रहे होते हैं, नहीं सर हमें कपल पोर्ट्रेट करने हैं, हर एक फोटोग्राफर करता है, हम क्यों करते हैं, हमें टाइम दो ना खुद, हमारे घर वो फोटो लगनी है, हमारा क्या फ़ायदा होगा उससे, हम क्यों तुम्हें बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमें फ़ोटो खींचने दो, क्योंकि हमें काम आपको अच्छा डिलीवर करना है। तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब है, और दोस्तों मुझे नींद बहुत आ रही है आज, और मुझे अभी 4 बजे सुबह के 4:30, और मुझे कल सुबह 8 बजे दोबारा शूट पर जाना है। आई एम सो टायर्ड सो टायर्ड। अभी के लिए करते हैं इस क्लिप को यहीं ख़त्म, फिलहाल विदाई होने वाली है, पीछे ये है सीन। भैया बता रहे हैं, क्या बता रहे हो बताओ। एक फ़ोटोग्राफ़र का क्या काम होता है, एक मैरिज में एक इंसान इतना पैसा लगाता है, अपने बच्चों का रिश्ता करता है, शादी करता है सिर्फ खुशियों के लिए, और सारी जो यादें हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र से जोगे रखता है जीवन भर की, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, क्या करें। सारा कुछ जो हम मेहनत करते हैं सब कुछ किसके लिए करते हैं? सब क्लाइंट के लिए करते हैं, जो हम काम करते हैं वो अपने घर ले जाके क्या करेंगे, हमें वापस वो नहीं देना होता। आज सिचुएशन क्या हुई, आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, थोड़ा सा पंडित जी से अनबन हुई हल्की फुल्की, मुझसे स्टेज पे थोड़ा सा बोल पड़े वो, और अभी फेरों पे भी यही हुआ। तो ये तो होता रहता है, पर बीच में कभी कभी बोलता नहीं कोई, है ना। आज पंडित जी और फोटोग्राफर को तो हमारा चलता रहता है आपस में, लेकिन बीच में कोई बंदा बोल जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। By the way, he was the same पंडित जो मैंने शुरू में मेंशन करा था कि पंडित जी पीछे नहीं होते, पीछे नहीं होते। तो मतलब मैंने उस दिन उनको टोक दिया था 4 दिन पहले उस इवेंट से कि सर पंडित जी थोड़ा पीछे हो जाओ, आपकी फोटो नहीं खिंच रही, उनकी खिंचनी है। और मैं ना बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ इवेंट्स में, मतलब आई एम वेरी फ्रैंक। सबसे बड़ी मेरा पॉइंट क्या होता है कि मैं ये सोच के हर एक इवेंट को खींचता हूँ कि मेरे घर का इवेंट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब घुल मिल के होता है ना, तो उसमें अच्छा रहता है। एक तो प्लस पॉइंट बताया, दूसरा क्या होता है कि जब आप ऐसे घुलते मिलते ना उसके दो नुकसान भी हैं, मतलब उसके एक नुकसान भी है फ़ायदा भी है। कि एक तो फ़ायदा क्या है कि अगर क्लाइंट को दिखता है कि ही स्मार्ट इनफ पर्सन, तो ही सी दैट दैट पर्सन इज़ गिविंग ऑल ही हैव, कि उस वो बहुत मेहनत कर रहा है। पर नुकसान क्या है, कभी कभी ना बहुत मेहनत करने के बाद भी यू डोंट गेट द थिंग्स यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन, तो उसमें मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लगता। पर एक होता है कि यार तो आपने बहुत मेहनत करी, आप सब कुछ करा, फिर भी दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग योर थिंग्स, दे आर जस्ट लाइक इन रिचुअल थिंग्स एंड ऑल। काफ़ी हद तक तो ये बात होगी कि वेडिंग फोटोग्राफी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बात करते हैं कि व्हेन अ पर्सन चूजेज इज वेडिंग फोटोग्राफर, व्हाट शुड यू डू, थोड़ी थोड़ी बातें उनको क्या क्या ख्याल रखनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने मिथ होती है कि अलग रहे, अगर आप बॉय साइड एंड गर्ल साइड के टीम को सेम करते हो तो आपको लाइक ट्रस्ट में 100% ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो हमारी टीम है वो मिलजुल के चलती है, सामने वाले फोटोग्राफर किसी भी, मतलब मैं ऑल अराउंड फोटोग्राफर की बात कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले फोटोग्राफर से नहीं बनती, उसका भी काम खराब होता है, हमारा भी काम खराब होता है। इवेंट्स में एक बार यहाँ फोटो, एक बार यहाँ फोटो, एक बार यहाँ फोटो, एक बार यहाँ फोटो, सेम बहुत बार जो मतलब मैंने देखा आदमी लोग जो होते हैं, जो ग्रूम होता है वो ज़्यादातर इरीटेट हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट लाइक दैट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप सेम वेडिंग की टीम करवाते हो तो इसमें क्या होता है कि वी टीम गेट मर्ज वेन एवर यू वांट, एंड उसके अलावा एक फोटोग्राफर गैदरिंग कर सकता है उस टाइम पे, एक फोटोग्राफर आपका स्टेज संभाल सकता है, एक फोटोग्राफर आपके घर के लोगों के पोजेस बना सकता है। ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आपकी सेम टीम है और फोटोग्राफर्स आपके सेम रहते रहते। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी सेम टीम है तो आपको डिस्काउंट मिलता है, 20% का डिस्काउंट हमेशा मैं ऑर्डर ऑफर करता हूँ, कहीं ना कहीं फोटोग्राफर और भी डिस्काउंट कुछ ना कुछ ऑफर करते ही होंगे जब आप सेम टीम बुक करते हैं। एंड अबाउट प्री वेडिंग्स में क्या होता है कि हर एक, जब आप प्री वेडिंग को बुक करते हो, प्री वेडिंग्स डिपेंड करता है कि आप किस फोटोग्राफर से करा रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि प्री वेडिंग, जैसे मैंने किसी को ऑडिशन दी लाइक 90,000 की, और वही काम उनका होगा 60,000 में, तो लोग सोचते हैं यार इसने इतने ज़्यादा रेट क्यों बताया। जब कभी भी आप किसी को भी कोई भी प्राइस पे करते हो, वो उसकी एक स्किल के ऊपर पे करते हो। जब आपको फोटोग्राफर बताता है कि पास हो जाइए, ऐसे देखिए, स्माइल करिए, आपको बताता है कि यार यू शुड डू दिस, एंट्री आपकी इस तरह से होनी चाहिए, यू शुड गैदरिंग लाइक डैट, इन सब चीज़ों से आपके फोटोग्राफर्स के प्राइस पॉइंट पर फ़र्क पड़ता है कि किस तरह आपका फोटोग्राफर है। हर एक फोटोग्राफर ये सब कुछ नहीं करता, बहुत ज़्यादा कई सारे फोटोग्राफर्स लेट इट भी करते हैं, कई सारे फोटोग्राफर सिर्फ अपनी रात काटने आते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि भाई जो खड़ा है उसकी फोटो खींच दो, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों से आपकी फोटोग्राफी चीज़ें मैटर करती हैं।
एंड अबाउट प्री वेडिंग्स. अब प्री वेडिंग्स की थोड़ी बहुत बात करते हैं. प्री वेडिंग्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से प्री वेडिंग की कोटेशन ली, मैंने उसको दी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 की अगर, ठीक है, वन डे की, एंड वही उसकी प्री वेडिंग होगी 70,000 में 60,000 में, तो सामने लगता है यार लव आपने तो इतनी की थी, सामने मेरा काम इतने का हो गया. तो क्या होता है गाइस कि जब आपका जो जैसे आप यू नो व्हाट यू पे फॉर दैट, जैसे कि मैंने बताया, बट प्री वेडिंग्स में क्या होता है लाइक वो ड्रोन भी है, लाइक सिनेमेटिक भी है, लाइक शूट भी है. कभी कभी क्या होता है दो ही लोग मिलकर सब कुछ कर देते हैं. अब दो लोग मिलकर दो शूट कर रहे हैं वो चलो ठीक है काम, चलो शूट है, पर जो ड्रोन का एक्सपर्ट है वो ड्रोन चलाते हैं, ड्रोन के प्रॉपर शूट होते हैं, आपको बार बार रीटेक्स करने पड़ते हैं. इवन व्हेन यू आर लाइक डूइंग द सिनेमैटिक शॉट, एक सिनेमैटिक शॉट का एक वो होता है प्रोफेशनल की वो बताएगा किस तरह से ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, फोटोग्राफर जो वेडिंग का है वो प्री वेडिंग का होने में उसको टाइम लगता है, उसको वो स्किल आनी चाहिए, उसको सीखने में टाइम लगता है. बहुत सारे ट्रेडिशनल वाले वो नहीं करते, आपको बोल देंगे यहाँ से सीधा भागो, ये करो वो करो, वो कोई प्री वेडिंग नहीं होती. प्री वेडिंग के लिए आपको प्रॉपर एक सॉन्ग शूट करना होता है, प्रॉपर एक लोकेशन होती है, एक पूरी डिस्कशन होती है, उन सब की प्री वेडिंग्स के अंदर आता है. अगर प्री वेडिंग की आप ये छोटी मोटी बात कर रहे हो तो दिस इज़ हाउ कॉस्टिंग शुड रिड्यूस. एक होता है कि यार चलो हमें काम चलाना है यार चल जाएगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह चूड़ा खींचना है, एक कैमरा ले आना, चूड़ा भी खींच जाएगा और फोटो भी खींच जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी कैमरे से. ऐसा नहीं होता, जब भी हम फोटो खींचते हैं, अभी कैमरा नहीं मेरे आसपास, मैं आपको बताता, कैमरे के ऊपर फ्लैश लगती है, फ्लैश होती है फोटोग्राफी के लिए, और एक लाइट लगती है जो उसमें सामने लग रही है वो होती है वीडियोग्राफी के लिए. अगर आप फ्लैश से वीडियो तो खैर बन नहीं सकती, पर अगर आप LED से जो ऊपर लाइट लगती है उससे फोटो खींच रहे हो तो फोटो में वो बात नहीं रहेगी, वो शार्पनेस नहीं आएगी जो आपको शार्पनेस मिलनी चाहिए. बट अगर आपको काम चलाने की बात है तो आप यू कैन गो फॉर लाइक, मेरे हिसाब से कई जगह तो मैंने ऐसे सुन रखा कि 500 रुपये की फोटोग्राफर भी हो जाते हैं, तो शायद होते होंगे. तो कई उन फोटोग्राफर का मुकाबला ना तो मैं मतलब कोई सोच भी नहीं सकता होगा हमारे NIT साइड में तो खैर खासकर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आने के लिए. तो भैया शूट कैसा था, आपको कैसा लगा? भाई जितना कॉपरेट कपल ने किया ना शायद किसी ने किया हो. आंसर व्हाट्स बहुत अच्छा अमेजिंग शूट. अच्छा कपल कॉपरेट थे, पूरी फैमिली ने पूरा अच्छे सपोर्ट किया हमें. अच्छा था, यू लाइक इट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो गाइस ये सब तो होगी फोटोग्राफी की बातें. यहाँ पे खैर मेरा सीज़न खत्म हो रहा था, एंड सीज़न खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो कि एक फोटोग्राफर एक एडिटर होते हैं. फर्स्ट थिंग, रिस्पेक्टिव फोटोग्राफर जो कभी आपका इवेंट खींचने आ रहा है, मैंने कई बार अपने वीडियो मेंशन करा है लास्ट वाली वीडियो में भी कि वी आर फोटोग्राफर्स, हम वो होते हैं जो सबसे पहले आपकी वेडिंग्स में आते हैं. जब आप नहा धो रहे होते तभी आप बुला लेते हो, कई बार तो उससे पहले बुला लेते हो, एंड जब आपकी विदाई हो रही होती है दुल्हन की उसके बाद, और कुछ फोटोग्राफर तो घर तक भी जाते हैं, तो खैर वी आर वन ऑफ देम. एंड सेकेंड थिंग ये कि जब आपको फोटोग्राफर को बोलते हैं प्लीज़ इधर हो जाइए उधर हो जाइए, तो वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं. कोई फोटो वो जो बड़ी करनी है वो आप उसके घर नहीं लगेगी, आपके अपने घर लगनी है वो फोटो. तो जो वो बोलते हैं एडजस्टमेंट वो कर लीजिए करें. जब कोई फोटोग्राफर बोलते हैं वेट थोड़े टाइम को रुक जाइए, तो रुकना होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रिचुअल्स को, अपनी चीज़ों को ऊपर रखते हैं, वो रखना भी चाहिए आपको, सही बात है. बट हम फोटोग्राफर्स को भी टाइम दो. जो कुछ भी आप कर रहे हो वो स्क्रिप्टेड नहीं है, इट्स लाइक वन मोमेंट तो होते होते हैं, जयमाला का एक ही मोमेंट होता है हमारे पास, फेरों के हम पे वही मोमेंट्स होते हैं, उसमें भी कब लड़की आगे आ रही है, कोई उसकी बहन आगे आ रही है, वो आगे आ रही है, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग. पर फिर आप भी समझिए कि यू आर डूइंग दैट थिंग, कि हम थक जाते हैं बोल बोल के कि पीछे मत हो जाइए, थोड़ा सा हट जाइए, तो समझो इस बात को भी. सो गाइज विद दिस लेट्स एंड दिस एपिसोड. एंड फोटोग्राफरी आई लव माई वर्क, आई लव टू डू द थिंग्स आई एम डूइंग, कि वी आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली, वी आर द पार्ट ऑफ योर रिचुअल्स. हर किसी लोगों से बात करना, उनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है. एंड आफ्टर ऑल किसी भी प्रोफेशन की कुछ भी कर लो, हर किसी के कॉन्स एंड प्रोज होते हैं, और मज़ा आता है लाइक किसी के भी कल्चर का पार्ट होना, उनके साथ रहना, उनकी फैमिली का पार्ट होना. इवन ऑल दो इट्स अ लाइक काइंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ आर फोटोग्राफर्स. साथ के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप मेरे वेडिंग का पेज यहाँ जाके देख सकते हो, उसमें मैंने. सो गाइस इससे पहले किसी और का फोन बजे, लेट्स एंड दिस वीडियो. गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, लव ईच अदर. एंड बहुत बहुत कुछ इस यूट्यूब चैनल पर आने वाला है. आई एम लाइक आई प्रोमिस टू माई सेल्फ कि आई विल डू अ कम बैक ऑन द यूट्यूब. एंड बहुत कुछ रह गया इस वीडियोज़ में, काफ़ी कुछ वी आर गोइंग बैक, बट वी आर कमिंग बैक विद सुपर फास्ट स्पीड. So till then, goodbye, traveling love witches, and don't trust anybody. Book your photographer today for your lovely wedding. Goodbye.